लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लड़की चाहिए। ब्रिटेन की राजधानी लंदन, सपनों की नगरी। यहां की हर बात निराली है। दुनिया के कोने कोने से लोग यहां के खूबसूरत नजारों का दीदार करने आते हैं और कुछ यहां अपनी तकदीर आजमाने आते हैं। कुछ लोग तो वापस लौट के चले जाते हैं और कुछ लोग हमेशा के लिए यहीं के होके रह जाते हैं। ये हैं लक्ष्मी नारायण कपूर, जो कुछ साल पहले हिंदुस्तान से लंदन आए थे और बस यहीं के होके रह गए। देश बदला, भेष बदला, तो नाम भी बदल गया। लक्ष्मी नारायण से एलन हो गए, एलन कपूर। खूबसूरत लड़कियों को देखते ही आज भी इनकी ढलती जवानी में उबाल आने लगता है। बोलूंगा मैं पीछे रह के हार गया। और ये हैं एलन कपूर की धर्मपत्नी माया, जो माया नगरी से दूर अपनी ही माया में मगन रहती हैं। संसार से ज्यादा इनको संसार बनाने वाले से लगाव। राधे राधे। और ये हैं एलन कपूर के होनहार भतीजे संदीप और रणदीप, जो लंदन आकर सैंडी और रैंडी हो गए। यहाँ की आबो हवा इनको इतनी रास आ गई कि इनकी हर शाम रासलीला में गुजरती है। एलन कपूर के इलेक्ट्रॉनिक शॉप के मैनेजर शराफत अली, ये कितने शरीफ हैं, आप खुद ही देख लीजिए। आओ, 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 आओ।
Yes, madam. Good morning to you. I'm the manager of the store. Yes. Can I help you? I'm looking for the vacuum cleaner with the goods section. Oh, madam, you're holding a vacuum cleaner. Now see the suction. See, I'll show it to you. Yes. See, check, huh? See this? Upper. Stop it! Sorry. It's even got a very strong blower. Blower? Yeah. You want to see it? यहाँ की जिंदगी निराली है। एलन कपूर भी यहाँ के लोगों की तरह वीकेंड की मौज मस्ती के लिए निकले हैं। मगर ये क्या? इनका बेटा हैप्पी तो साथ है ही नहीं। चलिया। Sorry to interrupt you, ताऊजी। आपकी सपनों की रानी आपके बाजू में ही बैठी है ना? अरे सपनों की रानी की कहानी तो एक बेटा पैदा करने के साथ ही खत्म हो गई। No more joy। राधे 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 राधे। अच्छा ताऊजी, ये जॉय कौन है? भैया का नाम तो हैप्पी है ना? राधे राधे कुछ भी बोल देते हो बच्चों के सामने। अरे आजकल के बच्चे बच्चे नहीं रहे माया, लंदन की हवा इनको बहुत जल्द जवान बना देती है। लेकिन हमारा हैप्पी तो अभी तक सीधा साधा ही है बेचारा। हाँ सीधा है, जलेबी की तरह। क्या मतलब है जलेबी की तरह? मेरा मतलब ये था कि हैप्पी भैया तो वीकेंड्स में हमारे साथ कभी आते ही नहीं है। पीछे घर में अकेले अकेले बैठे बैठे न जाने पता नहीं क्या गुल खिला रहे होंगे। और ये हैं कपूर साहब के इकलौते बेटे हरविंदर। प्यार से सब लोग इन्हें हैप्पी कहते हैं। विदेश में रहते हुए भी एकदम देसी हैं। शर्मीले स्वभाव की वजह से आज तक ना तो किसी को दिल दे सके और ना ही किसी का दिल ले सके। 40 की उम्र हो गई फिर भी अभी तक कुंवारे हैं। इन्हें बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया अच्छी लगती है और इतनी अच्छी लगती है कि अपनी दुनिया से बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं और ना ही अपने दिल की बातें किसी से बताते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों को इनके करैक्टर पर शक भी होता है। मेरा बच्चा कैसा रहा आप लोग का वीकेंड? तेरे बगैर कैसा वीकेंड बेटा? तू बता तूने क्या किया दो दिन अकेले घर में रहके? अब मैं क्या कहूँ? अरे क्यों पूछ रहे हो? जवान बेटा अकेला घर में क्या करेगा, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? राधे राधे कुछ भी बोल देते हो बच्चों के सामने। मैं लेके मेरा बच्चा सामान लाएगा मेरा और तुम सब जाओ हेल्प करो। यू गो एंड टेक रेस्ट, आप लोग सफर में थक गए होंगे। क्या भैया आप काम करें और हम आराम करें, ऐसे कैसे हो सकता है? नो रेस्ट फॉर द वीकेंड भैया। वेरी गुड वेरी गुड। भैया कैन आई आस्क यू समथिंग? ये जब हम यहाँ नहीं थे तो आपने किसी को बुलाया? कोई आया था या कोई आई थी? अब मैं क्या कहूँ? अब मैं क्यों कहूँ? क्यों भैया प्लीज बोलिए ना, उसमें क्या बताइए ना बोलिए ना प्लीज प्लीज। अरे बैठ पसंद बैठ रहे हैं, इसमें पसंद बैठ रहे हैं। सैंडी? यस मैंडी। भैया तो कुछ बोला नहीं। लेकिन वो बोला नहीं, आज नहीं तो कल बोलेगा, अपनी दिल की राज खोलेगा। हैप्पी के जीवन में एक और प्रॉब्लम है। जब दुनिया रात में सोती है तब ये नींद में उठकर चलना शुरू कर देते हैं। It's all about sleepwalking. Yeah. He's sleepy, sleepy. और जब ये नींद में चलते हैं तो किसी भी लड़की की खुशबू सूंघते हुए उसके पीछे पीछे खींचे चले जाते हैं। इनकी नींद में चलने की बीमारी इनको तो परेशान करती ही है, दूसरों के लिए भी मुसीबत बन जाती है। Hi. Feel my body, feel my soul, touch me baby, I wanna lose control. Oh yeah. Oh, sorry. You wanna make one large? मजा आ गया। अरे क्या कर रही है? मजा आ गया। I'm telling you, it's
हैप्पी का बच्चा मेरी जिंदगी को सेट करने के लिए यहाँ कहाँ से आ गया? मिस्टर शराफत अली, इससे पहले कि तुम्हारी शराफत को एक्सपोज कर दे, खाक हो जा, बत्ती बोजा और छुप जा। थैंक यू। आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अरे वो खंबे वाली लंबी लड़की को मेरे साथ भेज दो। Not again, baby. I'm tired. Go to sleep. Darling, do you want some more? I don't mind. Who are you? Who's he? I don't know. I've never seen him before. Yeah, another one of your lovers. No, I've never seen him before. What are you both doing in my bedroom? Your bedroom? This is our bedroom. This is my bedroom. This is my bedroom. Ah, looks like it's everybody's bedroom. Huh, maybe it's a burglar. Call security. Security! 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 She's here. Security! I'm not going to leave her tonight. Who else? Who else? Who else? Security! 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 You? Oh my God, it's my husband! Oh my God! What are they doing here? What's he doing here? What are you doing here? What am I doing here? मत मक्खन लगाती रहना और कुछ मत करना। हाँ, जीते रहो जीते रहो। ये हैप्पी कहाँ है? हैप्पी तो कमरे में नहीं है। हाँ। नहीं जी। राधे राधे कहाँ गया? ये लो जी आ गए। कहाँ से आ रहा है? मैं क्या कहूँ कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ? मतलब क्या कहूँ कि मैं इस मतलब का क्या मतलब है? मतलब? अरे इस मतलब के मतलब का क्या मतलब है वो मतलब तो बतलाओ। मतलब कि मैं जॉगिंग करके आ रहा हूँ यार। मतलब? अरे मतलब कि माँ की आँख। आगे से जॉगिंग पर जाया करो तो ट्रैक सूट पहनकर जाया करो, समझे? बैठो नाश्ता करो। शिफ्ट। डोंट फ्रस्ट्रेट अदर्स, डोंट डू दैट। हे हे हे, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। What? Asshole. Why? Now look at that. She should not frustrate others. Hey, don't frustrate me. Don't. No. I said no. No. Now look at them. Are you okay? No, I'm happy. How can you be happy when you just fell down? Yeah, but nothing happened to me except you, no? Naughty. No, I'm happy. You're so bad. Hey, don't frustrate me. I told you I'm happy, no? Silly. कमाल है, पापा ने नाम चेंज कर दिया, बताया भी नहीं। बिट्टू पाजी, मैं ये सोच रहा था कि किसी अंग्रेजी लड़की के साथ शादी करके यहीं सेटल हो जाऊं। भाई आपको चलता है, लेकिन मैं तो हिंदुस्तान में जाके ना वहाँ गांव की किसी गोरी के साथ यानी पिंड दी कुड़ी खंड दी पुड़ी दे नाल शादी करके वहीं सेटल हो जाऊंगा। अरे छोड़ो यार, गांव की लड़की से शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो और उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूल भेजो। इससे अच्छा ये होगा कि कोई गोरी लड़की से शादी करो,
तो बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि पैदा होते ही अंग्रेजी में बोल पड़ेंगे और स्कूल का खर्चा भी बच जाएगा। लो हैप्पी भैया भी आ गए। शरीफ जी ये चीज बिल्कुल भी मेरे समझ में नहीं आ रही। लेकिन मेरी समझ में आ रही है। आपको क्या समझ में आ गया? वो जो तुम जानते हो। मैं क्या जानता हूँ? वो जो तुम छुपा रहे हो। मैं क्या छुपा रहा हूँ? वो जो तुम चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ? वही जो तुम कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं रहे हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ जो मैं कह नहीं पा रहा हूँ? मैं कह सकता हूँ कि क्या तुम छुपा रहे हो लेकिन मैं कहूँगा नहीं। समझे कि नहीं समझे? समझा रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा हूँ। समझ के समझ को समझो। समझ ना भी समझ है। समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ना समझ मुझे। मेरी समझ तेरी समझ के बाहर है। समझे शरीफ जी? समझ गया। Don't frustrate me. तू बदमाश हो गया है। He's become naughty at 40. नॉटी जबरदस्ती नॉटी ना। समझ तो हम भी गए भैया। क्या समझ गए? हमने रात को देखा था भैया। आप बिस्तर पर नहीं थे। कहाँ गए थे? आई डोंट डिस्कस माई मूवमेंट्स। It's a secret. झूठ बोल रहा है ये। रात को नींद में चलने का बहाना करता है। तुम लोग जानते हो ये कहाँ जाता है? नहीं 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 नहीं। मैं भी नहीं जानता। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यही कुछ मत कर देना। वहां जाके देख के वो क्या कर रहा है। जा। शीला जवान हुई डरिंग तेरी। हेलो भैया। हाय व्हाट्सएप। हे ताकजाक नहीं करने का। हेलो भैया सब ठीक? तुम ना चैन से कुछ करने भी नहीं देते। देखो मैंने इसको रात को देखा था। इसकी भी वही पॉलिसी है। खाओ खो जाओ बत्ती बुझाओ और सो जाओ। लड़की के साथ था मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या हो रहा है? देख रहे हो ना भैया आज रात का क्या प्रोग्राम है? वही जो सबका होता है वही मेरा होता है। सबका तो बहुत कुछ होता है। मेरा बहुत कुछ होगा। किसके साथ? मेरे मेहमानों के साथ। मेहमान? हमारे घर में मेहमान कहाँ से यार? चलो यार पूछताछ करते हैं। चल 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 चल। भैया क्या है? मेहमान कौन आ रहे हैं? कोई भी मेहमान नहीं आ रहा है। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? भैया प्रॉब्लम यह है कि ताश खेलना है तुम्हारे साथ रात में। तुम लोग चीटिंग तो नहीं करोगे? नहीं नहीं। इस मेंढक की कसम क्यों करेंगे? तू पीसता सही नहीं है, ये काटता सही नहीं है, मैं खेलता सही नहीं है। तीन बेवकूफ मिलकर सही खेल कैसे खेल सकते हैं? अभी तो आज ट्राई करके देखते हैं ना कुछ अच्छा काम होता है कि नहीं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। राइट। लेकिन यू नो व्हाट, डैड को मेरा कार्ड खेलना अच्छा नहीं लगता यार। उनकी चिंता मत करो, उन्होंने तो हमें भेजा है। हेलो ताऊ जी, मैं शॉप से सैंडी बोल रहा हूँ। हाँ सैंडी बेटा बोलो। हमने फैसला किया कि आज रात को स्टॉक चेक करेंगे तो हैप्पी भैया को भी हमारे साथ काम पे लगा दिया। हाँ मेरे भतीजे, मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। देखा माया, मेरे भतीजे कितने मेहनती दिन तो दिन रात में भी लगे हुए हैं और हैप्पी को भी लगा के रखा हुआ है। हाँ। जी। खाना भी खाओगे या फोन पर ही लगे रहोगे? भैया तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। आज तो बताना ही पड़ेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। गर्लफ्रेंड नहीं मेरे भाई, गर्लफ्रेंड्स। फ्रेंड्स। सुनो मैं तुम लोग को चुपके से कुछ कहूंगा तो तुम लोग चुपके से सुनोगे, किसी से कुछ नहीं कहोगे। ना, हम चुप रहेंगे। तो चुप करके सुनो और इस चुप को चुप ही रखना। ए मिस्टर चुप, आखिर ये चुप है क्या भाई? चुप ही रहोगे या चुपके से हमें कुछ बताओगे भी? सच तो ये है कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तुम लोग सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। पता नहीं क्या सोचोगे, क्या समझोगे और मेरे लिए क्या कहोगे। अरे गे 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 कितना, अरे बाप रे, ये गे है। गे। मैं गे नहीं हूँ, मैं वर्जिन हूँ। वर्जिन? अरे अरे अनयूज्ड मैन, व्हाट अ वेस्ट। तुमने वादा किया तुम लोग चुप रहोगे। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि साला एलन कपूर का बेटा लंदन में रहकर वर्जिन। मेरे बेटे ने जो मेरे दामन पर दाग लगाया है ना, उसे तुम लोगों को मिलकर मिटाना होगा। शराफत, उसे समझाओ कि दुनिया में शराफत सब कुछ नहीं होती है, थोड़ी बदमाशी भी सीखनी पड़ती है। उसे सिखाओ, उसे दिखाओ कि दुनिया क्या है। आराम से, आराम से। मैं आपकी लाइफ की ट्रेजेडी को समझ सकता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। प्लीज आप खाओ, खुजाओ, बत्ती बजाओ और सो जाओ। मैं आपके बेटे को बेटा नहीं,
आओ। आपका बाप बनाकर पेश करूंगा। मेरा बाप? What's up boys? Come on bro. No, just listen to us yeah. Hey dude. Don't be a prude. Hey 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 dude. Don't be a prude. Dude, 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 dude. Don't be a prude. Hey 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 dude. Don't be a prude. Ay yaar tu. Oye sun le zara. तू सुन ले जरा कुछ ना किया तो क्या किया अरे यार तू सुन ले जरा कुछ ना किया तो क्या किया तू क्यों जिया बस यूं जिया ना इश्क है ना प्यार है ना तू किसी का यार है खाली है तेरी जिंदगी है साले जीना तेरा बेकार है शट अप यार अब चुप भी रहो या जो कहना है खुल के कहो मैं क्या करूं कैसे करूं मैं क्या करूं कैसे करूं कुछ तो बता करना है क्या अरे बोला ना यार सिंपल है अडूर जस्ट यूज इट बिफोर यू यूज इट निकल सब कुछ तुझे समझाएंगे जीना तुझे सिखलाएंगे कुछ शौकिया कुछ मस्तिया कुछ रंग बिरंगी तितलिया सालों में जो देखी नहीं एक रात में तुझको दिखलाएंगे हुआ पर जो हुआ अच्छा हुआ चेहरा मेरा हुलिया मेरा तुमने बदल कर यारों रख दिया तुमने कहा अब मैं कहूँ मैं क्या कहूँ सुन लो जरा हे टू आए जो ने मुझे लंदन में लड़की ढूंढने के लिए कहा है तुम लोग मेरी मदद करो ना हैप्पी भैया इसलिए तो हम आपको यहाँ लेके आए हैं हैप्पी भैया इस बार में लंदन की एक से एक बढ़कर लड़कियां आती हैं या क्रीम ऑफ द क्रॉप क्रीम तो छोड़ो अभी तक तो कोई मिल भी दिखाई नहीं दिया मिल गई भैया वो देखिए ना वो देखिए जो लड़की अकेले में बैठी है भैया वो आपको देख के मुस्कुरा भी रही है आई थिंक शी लाइक्स यू जाओ भैया जाओ उससे दोस्ती करके आओ आई थिंक शी इज फीलिंग योर वाइफ मैन ए तुम लोग मेरी उसके साथ सेटिंग करके दो ना बाद में मैं चक्कर चलाऊंगा ऑफ कोर्स भैया एनीथिंग टू मेक यू हैप्पी हैप्पी भैया आई एम गोइंग थैंक यू हाय यू सी आई एम सैंडी एंड कृष्णा वी आर हियर हियर हाय डॉक्टर हेलो पटाका दो बम 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 आई एम थैंक यू पट गई आजा भैया हाँ? वो आपको कमरे में बुला रही है ना अकेले में कुछ बात करना चाहती है आई थिंक काम हो जाएगा है ना ए तुम लोग मेरे साथ चलो ना हम भी तुम लोग बाहर खड़े रहो मैं अंदर घुसता हूँ गुड
जबान डाल के फिर ये मेड इन चाइना कैसी है? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ड्रैगन राइट मारी, राइट मारी। ये कमरा, दरवाजा खुला है। वेरी गुड, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। तुमने कहा कि तुम अंदर जाओगे और हम बाहर खड़े रहेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि तुम लोग बाहर खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इससे बेहतर है आप अंदर चले जाओ, हम यहाँ बाहर खड़े रहते। ओके शराब। Why don't you make yourself more comfortable? I'll be right back. आवाज भारी, इसको तो चेक करना पड़ेगा। क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। लड़की कैसी थी? कभी सपने में भी नहीं सोचा ऐसी थी। ऐसी थी? कैसी थी? लड़की में 36 गुण है। 36? इतनी पसंद आई? आई नहीं, ये ऊपर से आई है लेकिन नीचे से आया है। वो कैसे? लड़की खड़े होकर सुसु कर रही थी। लेकिन क्यों? इसलिए कि वो वुमन नहीं, मैंने। ओए, मुझे यहां क्यों बुलाया? डैड, पता नहीं मुझे कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि मैं हालात की कैद में कैद हो गया हूं। मैं चाहता हूं कि कैद मेरी कैद में कैद हो जाए। अरे कैद की मां की सीधी सीधी बात करके पहेलियां क्यों बुझा रहा है? डैड, मुझे लड़की चाहिए। क्या? तू जानता है तू अपने बाप से कैसी बातें कर रहा है? हाँ। क्या? मुझे लड़की चाहिए। तू पीकर तो नहीं आया है आकर? ना। देख बेटा, ऐसी बातें बाप से नहीं करते। बाप बेटों के लिए लड़कियां नहीं लाकर देते। मम्मी से बोलूं? अरे मम्मी पापा से ऐसी बातें नहीं करते। अगर मैं तेरी डिमांड पूरी करता हूं तो लोग मुझे क्या बुलाएंगे, तू जानता है ना? डैड, आज तक तो सारी डिमांड आपने पूरी की है, अगर आप लड़की लाकर नहीं दोगे तो कौन लाकर देगा? अरे मैं तेरा बाप हूँ यार। तो डैड, जब मम्मी ने आपसे शादी की होगी तो उन्होंने भी अपने डैड से बात की होगी, तब जाकर उन्होंने आपसे बात की होगी। अरे उसको शादी कहते हैं यार। तो मैं और क्या कह रहा हूँ, शादी करना चाहता है। क्या बात कर रहा है यार, आप रो क्यों रहे? ऐसी बातें मत कर मेरे बच्चे। क्या हो गया? तू लड़की ढूंढ के ला, मैं तेरी शादी करवा दूंगा। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं 40 साल और वेट करता हूँ। माया, माया। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? माया कमाल होगी आज तो, आज पहली बार हमारे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा है। क्या मांगा? उसने कहा उसको एक, क्या मांगा? उसे एक लड़की चाहिए। राधे राधे, आखिर बिगाड़ ही दिया ना आपने उसे। अरे बिगाड़ा नहीं है माया, ही वांट्स जॉय फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। अब वो शादी करना चाहता है। शादी तो मैं भी करना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही हो राधे राधे, कैसी बातें कर रही हो? राधे राधे, अपनी नई बेटे की करना चाहती हूँ। हाँ। मैंने अपने भाई को बोल भी दिया है कि इंडिया में एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के रखे। और मैंने भी हैप्पी को बोल दिया है कि लंदन में कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो कर लेना। राधे राधे, लंदन में? वाओ, बसात कराने के लिए ऐसी लड़कियां चाहिए। सो गाइस, लेट मी नो, यहाँ पे किस हद तक कपड़े उतारे जा सकते हैं? अरे थोड़ी देर रुक जाओ, खुद ब खुद पता चल जाएगा। मसाज वाली आएगी? मसाज वाला भी आएगा। नो, लेकिन हमारे लिए तो वाली है। टेंशन, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी भैया? जब तक आप कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं है। मैं कहाँ कुछ गड़बड़ करता हूँ, लेकिन जब मैं कुछ करता हूँ तो कुछ उल्टा हो जाता है। यहाँ पर कुछ उल्टा नहीं होगा, यहाँ पे वही होगा जो आप चाहेंगे। जब वो लड़की आए तो उसको सीधा लटाए या उल्टा लटाए? अरे यार, तुम नहीं, वो तुमको लटाएगी। Why? तुम यहाँ पर उसको खुश करने के लिए नहीं आए, वो तुमको खुश करेगी। हमने उसको पैसे दिए हैं। जो खुशी औरों को खुश करने में मिलती है, वो खुशी खुद को खुश करने में मिलेगी। कितनी खुशी की चीज है, तो खुश रहो। Shut up! खुश रहो कह रहा हूँ। So what is next? अब आप ज़्यादा लेट मत करिए, सीधा जाइए। लेट जाइए, लेटाओ या ना लेटाओ, लेटा दो। जो सही होगा वही करूँगा। Whatever. See you guys. Bye. Hello. Touch me, baby. Touch me.
You sleep, I'll give you massage. No, I give you massage. No, I will give you massage. I'm professional. Please, I give you good massage. What massage do you like? Powder massage or oil massage? Hold it. It's okay. Hello? ये पूछ रही है कि कौन सा मसाज चाहिए, पाउडर या ऑयल, कौन सा सेफ है? अरे दोनों में से कोई भी ले, दोनों सेफ हैं। नहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना, तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना। हेलो हेलो, व्हाटएवर व्हाटएवर। ओके प्लीज, वेयर शुड आई स्टार्ट, फ्रॉम अप और डाउन? होल्ड। ओके। क्या है? ये पूछ रही है कि कहाँ से स्टार्ट करें, नीचे से कि ऊपर से? पीछे से कर। What? पीछे से? Disturbing. पीछे से। Okay, please. You broke my nose. Excuse me. Forgive me. पीछे से don't give me. मैं चाहिए मसाज. शरीफ जी. एक मिनट, मैं तौलिया बांध लूं. गलत टाइम में आ गया. हाँ बोल बोल, क्या हुआ? क्या बकवास हरकतें करते हो? शरीफ जी, लड़की के नाक से खून निकल आया. हाँ, नाक में? अरे ये क्या किया तुमने? मैंने कहा कुछ किया, उसी ने कहा कि उल्टे लेट जाओ, मेरे पीछे चढ़ने लगी. मैं पलट के पूछा ये क्या है, तो इतने में तो देखा तो वो नीचे गिर गई. अरे नाक से खून निकाल दिया. सू कर देगी. क्या बकवास करते हो, सुसु क्यों करेगी वो? अरे सुसु नहीं, केस कर देगी. मैं कहता हूँ निकलो, भागो. डॉक्टर्स बिल, मेडिसिन बिल, मसाज बिल. माई सन केम टू योर मसाज पार्लर. यस सर. Happy to get massage. Yep. And a girl give him massage. Yes. Yeah, your girl. Are you sure it was a girl? I'm 100% sure. And Happy broke her nose. Yes. My Happy. Your son's name. I Happy. Happy! Yeah, Papa? Papa ki maa ki aankh? Tu massage parlor kya karne gaya tha? Aap hi ne to kaha tha ki ladki dekh ke aao. Are ladki dekhne ko kaha tha, massage karwane thodi kaha tha. आप ही ने कहा था कि लड़की ढूंढ के लेके आओ, ये थोड़ी कहा था कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ. अरे तो इस तरह से जाया करना जिस तरह से मैं जाता हूँ. आप कहाँ जाते हो? जहाँ कोई नहीं जाता है. जहाँ कोई नहीं जाता, ऐसी कौन सी जगह आप जाते हो? घर तेरी माँ के पास. 40 साल से वहीं पे तो पड़े हुए हो. अरे जहाँ अड़े थे वहीं पे अड़े हुए हो. मालूम है कहाँ जाते हो? रनिंग करने जाते हो, रनिंग करके चले जाते हो. कुछ खाते हो कि नहीं खाते हो? I understand. You are not stupid. You are only a virgin. You are not happy. You are not married. You have no joy. No marriage, no joy. So, how much is your bill? Papa, Papa, Papa. किधर जाने पे चली आवाज़? Excuse me, Papa. किधर चुप? ये भाग रहा है, बंद कीजिए please. तू यहाँ क्या कर रहा है? अब मुझे मालूम पड़ा. कितनी regular exercise कर रहे हैं आप, क्यों आते हो? वो मैं. क्या मैं? वो मैं. Sorry. हेल छोड़कर पूरी फैमिली को बना रहे हैं. तू यहाँ क्यों है? पापा, दरअसल मैं जानता हूं कि आप बहुत दुखी हैं, ये जानकर के मैंने अभी तक कुछ किया नहीं. आप रो क्यों रहे हैं? आप सुनिए तो सही मेरी बात. ओके सॉरी, बता. पापा दरअसल जो स्टोरी है, इस स्टोरी के पीछे जो स्टोरी है, उस स्टोरी में बहुत दर्दनाक स्टोरी है. अरे स्टोरी की पे मत जा. स्टोरी की नींव क्या है वो बता. नींव. एक्चुअली स्टोरी यूं है कि वहां नहीं देखिए, मैं कह रहा हूं स्टोरी. अच्छा कि हुआ यूं. हाँ पापा, क्या आप जानते हैं कि लोगों ने मुझे कितना इरिटेट किया है, तरह तरह से इशारे किए हैं, यह सोचकर कि मैं तन्हा हूं, अकेला हूं. तू कोई अकेला नहीं है. अब तू अपने बाप की स्टोरी सुन. हम ढूंढेंगे तुम्हारे लिए जीवन साथी. अच्छी सी खूबसूरत सुशील लड़की यहां नहीं, हिंदुस्तान में. तू अकेला नहीं है, और तू मेरा बेटा है. हाँ, हिंदुस्तान के सुंदर नगर में हैप्पी के चतुर मामा और मामी रहते हैं. जमींदार हैं, बाग बगीचे हैं, भगवान का दिया सब कुछ है. कमी है तो बस
अकल की। उसने कहा, अरे किसने कहा, क्या कहा? आप अपने ही घर में चोरों की तरह आ रहे हो, सीढ़ियों से क्यों नहीं आते? अरे पहले ही दिल के मरीज हो जी। अरे दिल का मरीज हूँ तभी तो शंभू शरण ने कहा था सीढ़ियाँ मत चढ़ना मुस्कुरा के। अब ये शंभू शरण कौन है जी? मेरा लेटेस्ट डॉक्टर था, अभी तो शमशान में संस्कार करके आ रहा हूँ उसका मुस्कुरा के। अरे छोड़ो ना उसको, आप ऊपर आओ, हाथ दो, ऊपर आओ। देखने में तो नजदीक लगता है लेकिन हाइट जरा सी ज्यादा है। आप ऊपर आइए ना। अरे यार तूने मुझे ऊपर खींचा है, देख भगवान भी तुझे ऊपर खींच लेगा मुस्कुरा के। अरे मैं ऊपर चली गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? भगवान ही करेगा मुस्कुरा के। जानते हो एक सेब 100 बीमारियों की दवा है, और तुम्हारे बाप दादा सेब के इतने बगान छोड़ के गए हैं और तुम फिर भी डॉक्टरों के पीछे पड़े रहते हो। अरे हमारी किस्मत में सेब का संपा, हमारी किस्मत में तो अंगूर ही अंगूर लिखे। जाओ एक गिलास ले मुस्कुरा के। तो ऐसे हैं हैप्पी के चतुर मामा। चतुर मामा ने हैप्पी की शादी अपने साले की बीवी के बहन के साथ तय कर दी। लड़की और लड़के के परिवार को मिलवाने के लिए उन्होंने दोनों को अपने घर बुला लिया। लीजिए आप। अरे अचानक इसको क्या हो गया? राधे राधे कहाँ जा रहे हो? क्या हो गया जी? क्या हुआ? लड़की बहुत अच्छी है। लेकिन इसके लिए तू भागा क्यों? भागा कहाँ, मैं एक्साइड होकर साइड में आ गया। ओहो एक्साइड हुआ था। अच्छा तो चल मैं बात करता हूँ, चल आजा आजा। आई एम वेरी हैप्पी। सब ठीक तो है भाई? आपकी लड़की बहुत सुंदर है। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये आपके यहाँ कैसे पैदा हो गई। जी जी तो भगवान की देन है जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। झूठ बोल रहा है। राधे राधे मुझे तो बहुत पसंद है। अच्छा जी बेटा तुम यहाँ हम लोगों के बीच बैठकर क्या कर रहे हो? मतलब किधर जाऊँ? नहीं मेरा मतलब है कि मेरी बिटिया को साइड में ले जाकर बाग की सैर कराओ, बातचीत करो और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो ना बेटा। आजकल के बच्चों को भी ये समझाना पड़ता है। साइड में आएंगी? नहीं तो ये आपकी पहली शादी है? लगभग। लगभग मतलब इससे पहले थोड़ी बहुत हो चुकी है? नहीं शादी नहीं हुई, बाकी सब हो गया। बाकी सब हो गया तो फिर रहा क्या? शादी मेरा मतलब है बात तो पक्की हुई थी, मेरे लिए काफी सारे रिश्ते भी आए थे लेकिन आगे किसी ने कुछ छेड़ा ही नहीं। कमाल है, लंदन में आप होती तो आपकी बहुत छेड़छाड़ होती। अच्छा आप है ही इतनी खूबसूरत। छेड़ने लायक। चलिए अभी आपके साथ लंदन चली जाऊंगी तो छेड़छाड़ हो ही जाएगी। नहीं ना? नहीं कोई और छेड़छाड़ क्यों करेगा। एनीवे आप पढ़ी लिखी तो होंगी? जी लगभग। लगभग? हाँ। ये लगभग बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं लगभग पढ़ा लिखा हूँ। अभी तो कुछ पूछिए ना। सुना है अभी तक आपका भी कहीं रिश्ता नहीं हुआ, अब तो 40 के हो ना? चल भग। अरे कितना टाइम लगा रहे हैं ये लोग, जाके ढूंढ के लाऊं जीजा जी? मैं अभी आता हूँ। अरे उनको बात करने दो, तुम मेरी एक बात का जवाब दो। जी। तुम ये समोसे का बाहर का हिस्सा फेंक रहे हो, अंदर का खा रहे हो क्यों? अरे डॉक्टर ने बाहर का खाना अवॉइड करने को कहा है। कौन से डॉक्टर ने? शंभू शरण। अरे कौन शंभू शरण यार? मेरा लेटेस्ट डॉक्टर शंभू शरण, परसों ही तो दीदी उसको शमशान में जला के आ रहे हैं मुस्कुरा के। लो जीजी खाओगी? राधे राधे जीजा जी को दे दो। जीजा जी खाओ। हाँ मैं उसको दे दो, मैं खा जाऊंगा। बस डायरेक्ट शंभू शरण के पास पहुंच जाओगे। It's all about sleep walking. Sleep walking. Yeah. He's sleepy, sleepy. Sleepy.
बस भी करो। ओह या, ओह या। फिर से उल्टे हो गए। बहुत उल्टियां हो रही यार, पता नहीं क्या उल्टा सीधा खा लिया। अरे ये कौन उल्टा लेटा हुआ है? उल्टा? आपको उल्टा मत समझिए। अच्छा ये तुम्हारे साथ सीधा लेटा है और मैं उल्टा ना समझूं? ना समझिए, क्योंकि आपसे ये कह रही है कि आप उल्टा ना समझिए। मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि आप उल्टा ना समझिए, इसलिए कि जितना उल्टा आप समझ रहे हैं मामला उतना उल्टा नहीं है। मामला मैं समझाता हूँ कितना सीधा है और कितना उल्टा। मेरा बेटा और कैरेक्टरलेस, पिछले 40 साल से इसने किसी लड़की की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। इनफैक्ट ही इज अ वर्जिन। वर्जिन माय फुट, अभी तो सिर्फ बात पक्की हुई है और ये मेरी बीवी के बिस्तर में सो गया। शादी के बाद न जाने कहां कहां सोता फिरेगा। सोया कहां था मैं? सपना देख रहा था। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे बेटे को नींद में चलने की बीमारी है। अगर बीमारी है तो इस बीमारी को अपने घर में रखिए, बाहर दुनिया में तो मत फैलाइए इसे। मम्मी मम्मी, मुझे ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करनी जो सोए मेरे बिस्तर पर और उठे कहीं और से। देखिए जी, बहुत हो गई मेहमाननवाजी, अब हम जहाँ पे एक पल भी नहीं रुकेंगे। अरे तो रोका किसने है? आप लोग सीधे चल जाइए ना। चुप कर ससुराल का माल। बात तो सुन। खामोश चुप कर, हमारे हैप्पी के लिए बहुत लड़कियाँ मिल जाएंगी, आप ही से कह रहा हूँ। जी जी, चलो चलो जी। चलो चलो, देखिए लक्ष्मी नारायण जी, बड़े दुख की बात है, पहला रिश्ता तो टूट गया। मैंने इसकी जन्म कुंडली देखी है, एक ही योग है। क्या कर रहा है? अगर ये शादी नहीं हुई तो इसकी कभी शादी नहीं हो सकती। पापा कहीं मैं यूं ही फुर तो नहीं हो जाऊंगा? अरे फुर हो तेरे दुश्मन। देखिए पंडित जी, शादी ना होने की वजह से मेरा बेटा पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। जी वो तो देख रहा हूं। दूसरी बात ये, अगर आपको कुछ दक्षिणा चाहिए तो लड़की ढूंढ कर लाइए। अरे ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। एक लड़की है हमारे दयाशंकर जी की। लेकिन लेकिन क्या लड़की चाहिए? सुना आपने? हाँ मिलेगी लड़की चाहिए, तो आप बात आगे बढ़ाइए। नहीं करनी मुझे शादी, नहीं नहीं नहीं। अरे बेटा अब तो तू सयानी हो गए है ना बेटा, है ना, शादी तो करनी पड़ेगी बेटा। हाँ ऐसे कैसे काम चलेगा बेटा? नकल को छोड़ और अकल से काम ले, अब तू वाकई सयानी हो गई है बेटा, शादी कर लेना बेटा। पापा आप भी तो सयाने हो गए हो, आप क्यों नहीं शादी कर लेते? बेटा मैं अपनी दूसरी शादी के बारे में बाद में सोचूंगा, लेकिन पहले तो अपनी पहली शादी तो कर। मुझे नहीं करनी शादी। अरे लड़का बड़ा अच्छा है बेटा, अच्छे परिवार का है, और पता है लड़का इंग्लैंड में रहता है, शादी के बाद तो इंग्लैंड में जाके रहेगी। लड़का इंग्लैंड में रहता हो, ग्रीनलैंड में रहता हो, व्हाइट में रहता हो, ब्लू में रहता हो, या किसी आइलैंड में रहता हो, मुझे नहीं करनी शादी। गौरी मेरी बात सुन बेटा, गौरी मैं ना शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। शादी नहीं करेगी तू क्या करेगी तू? है इतनी बड़ी हो गई है। मैं ना, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं भाग जाऊंगी। अच्छा भाग जाएगी? कहाँ भाग के जाएगी तू? वो रस्सी लाओ, रस्सी खोलो। ले रस्सी खोल देता हूँ। अभी बताती हूँ। ले, 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 ले खोल, खोल दी रस्सी। चल भाग के दिखा अभी। हाँ हाँ दिखा दिखा। ये देखो। आराम से आराम से, गिरना नहीं भाई। जा रही हूँ मैं, बता रही हूँ। आराम से बेटा, आराम से, ध्यान से बेटा, ध्यान। पापा आपकी बेटी हूँ। हाँ गिरना मत बेटा, आराम से, ध्यान से, आराम संभाल के, शाबाश। अरे सुन सुन, अरे सुन, अरे अरे सुन गौरी, अरे वाह तू तो बड़े आराम से उतर गई बेटा। ए गौरी तुझे किसी सर्कस में होना चाहिए। चल हो गया मजाक हो गया, आ जा आ जा ऊपर आ जा बेटा। ए नहीं आऊंगी। अरे ये तो सचमुच भाग गई। वेख के चले अगर पुत्र, कितने जा रही है? मैं घर से भाग रही हूँ, मेरी प्यारी दादी। भागी कहाँ जा रही है? हाँ भाग जा भाग जा, तेरे बाप को मैं संभाल लूंगी। उसने कहा पछताएगा, मैंने कहा किस्मत मेरी। अरे मामा ये चम्मच के साथ आप क्या? अरे दया भाई बीमारी ही ऐसी है, अपने डॉक्टर है ना शंभू शरण, दवा देते वक्त कहा था 2 टीस्पून ले लेना पानी के साथ। अरे दो क्या, आप 4 ले जाइए, पूरा टी सेट उठा के ले जाइए, घर आपका ही है। लेकिन इस टी सेट क्या, लड़की कहाँ है? अब, 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 लड़की तो अभी घर पे नहीं है। अरे ऐसे कैसे, आप तो आते वक्त बोले घर पे ही है, आ जाओ मुस्कुरा के। तब थी लेकिन अब नहीं है। आप कहाँ को चली गई? अब लड़की भाग गई। हाँ शादी के पहले ही लड़की भाग गई मुस्कुरा के। अरे नहीं नहीं तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप चतुर मामा, वैसे नहीं भागी है जैसा आप सोच रहे हैं। तो फिर कैसे भागी? अरे भाई जैसे रोज भागती है वैसे आज भी भाग गई। अरे तू रोज क्या पैर को सर पे रख के भागती थी मुस्कुरा के? अरे नहीं चतुर मामा, चंचल है, कभी दरवाजे से, कभी खिड़की से, कभी छत से भागती है, छत से भाग गई वो आ जाएगी थोड़ी देर में।
पर आपका भांजा दिखाई नहीं दिया, वो कहाँ भाग गया? वो कहाँ को भागेगा, वो तो भाग के लंदन से यहाँ को आया है। मैं जल्दी नहा लिया था ना, तो इसीलिए मैं आ गया था। वो पंडित जी के साथ पीछे पीछे को आ रहा है। चतुर बाबा, आपका भांजा आप तो जानते हैं उसको अच्छी तरह से। गौरी बेटी तो आपके सामने ही पली बड़ी है। क्या बात? क्या लगता है आपको, ये जोड़ी जमेगी? अब जोड़ी का क्या है दया भाई, की लड़के की उम्र जरा सी ज्यादा है और लड़की की अकल जरा सी कम है। बस धीरे धीरे करके जोड़ी जमी जाएगी। तो मतलब बैलेंस हो जाएगा मुस्कुरा के। बस मैं यही चाहता हूँ चतुर मामा, यही चाहता हूँ मैं तो कहती हूँ शादी कर लो। यही तो एक काम होता है जो हर किसी को करना पड़ता है। पता है मेरे मम्मी पापा ने भी शादी की थी। किससे शादी की तेरे पापा ने? मम्मी से। और मम्मी ने किससे शादी की? अरे पापा से। तो मैं किससे शादी करूँ, मम्मी से या पापा से? अरे बुद्धू, तुम उसी से शादी करना जिससे तुम्हारे मम्मी पापा करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये काम हो जाना चाहिए। ये है वो गौरी। अरे वो फल दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, ऊपर वाला। वो वाला? हाँ वही। वो वाला है ना? क्या? लड़की अच्छी है तो चक्कर चलाऊं? आप चक्कर चलाएंगे? आप चक्कर क्यों चलाएंगे? आप इस चक्कर में नहीं पड़ी है, ये चक्कर मेरा है। इस चक्कर में चक्कर मैं चलाऊंगा। आप वहाँ जाकर चक्कर चलाइए जहाँ आपको चक्कर चलाना है। चक्कर गौरी, तुम बिना इस पेड़ पर चढ़े और बिना पत्थर मारे वो फल तोड़ सकती हो? आई डोंट थिंक सो, नॉट पॉसिबल। हेलो, तुम कौन? मैं हरविंदर, प्यार से लोग मुझे हैप्पी कहते हैं। तुम गौरी हो ना, बच्चों के साथ क्यों खेल रही हो? ए मिस्टर, कहिए। ज्यादा लाइन मारने की जरूरत नहीं है, उसकी बहुत जल्द शादी होने वाली है। शादी? लेकिन क्यों? आई मीन किस लिए? आई मीन किससे? लंदन वाले के साथ। आई नो, बाय द वे वो तो मैं हूँ। क्या? बाय द वे वो तुम हो? अरे तो वही है। अच्छा दिखते हो, सुंदर भी दिखते हो, क्यों दोस्तों? थैंक यू। ये तो बिल्कुल हीरो जैसा दिखता। स्वीट ना, ये तो बिल्कुल मेरी दादी की तरह कह रही है। वो ऐसे ही कहती थी, टूटे हुए दांतों के साथ। अच्छा एक बात बताओ, मुझे गोदी में उठा सकते हो? इतनी फॉरवर्डनेस तो फिल्मों में भी नहीं देखी। आई मीन व्हाई नॉट। हाँ तो उठा के दिखा। अच्छा अब तुम मुझे कंधे पे बिठा सकते हो? लेकिन आप मेरे कंधे पे क्यों चढ़ना चाह रही? हम भी देखेंगे। अब ज्यादा नहीं चढ़ रही। वाह जी वाह, देखो जी ये तो मिलते ही घुल गए हैं। जी नहीं, ये घुल के मिल गए हैं। जीजा जी ये घुल मिल गए हैं। हमें तो अपनी बहू मिल गई राधे राधे। और जी हमें दामाद मिल गया, तो फिर हम दोनों को भी घुल मिलने चाहिए। गलत 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 गलत। अच्छा अच्छा यहाँ। अरे तो कहाँ जाओ यार। जी है लड़का बाप मैं हूँ जी। ये घुल के मिल गए और आप मिल जुल गए, अच्छी है। बोलो तो लगन का मुहूर्त निकाल दूँ? जरूर निकाल दीजिए पंडित जी। क्या करिए, नहीं 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 नहीं। अरे वाह तुमने तो कर दिखाया। एक सेकंड, ये लो नाशपति। चलो कमाल है, पति बना भी नहीं और नाशपति तोड़ दिया है। लुक शैरन, वी आर ट्राइंग टू सेल अवर क्लाइंट्स बिकिनी राइट। द कॉन्सेप्ट इज इवन दो द वाटर इज कोल्ड, वन हु वेयर्स द बिकिनी इज हॉट। ये क्या खेल है? लुका छिपी घूम। आई डोंट गेट व्हाट इज लुका छिपी। पकड़ के दिखा रहा है। रोल साउंड, camera action. Even though the water is cold, one who sir, but ye to script mein nahi tha. Script mein nahi tha. Are buddhu tune gauri ko nahi gauri ko pakdaya. Cut, idiot. Shot khatam kar diya, dikhai nahi deta kya? Ye koi tumhare umar ke bachcho ke sath khelne ki? What, ladkiyon ko chhedne ka naya tarika nikala hai? Security. No, it's okay. Go. It's okay, Jack. We can do another take. Let him go. God bless you.
क्यों झरनों की तरह घूमती रहती है, बाल कैसे बिखरे रहते हैं, अब तो बड़ी हो जाए ना, पूरे 5 फुट 5 इंच की हूँ, इतना लंबा दोस्त मेरा कोई है ही नहीं। अरे मैं तेरे दिमाग की बात कर रही हूँ। अच्छा? दिमाग से बड़ी हो जा तो लाओ। क्या दिमाग अभी बड़ा कर देती हूँ। <पगली। laughs> अच्छा दादी पता क्या हुआ, वो जो लंदन वाला है ना, तूने क्या किया उसके मैंने साथ? कुछ नहीं किया। हाँ? उसके साथ ना मैं लुक्का छिपी खेल रही थी, खेलते खेलते उसने मुझे ना पकड़ के गौरी को पकड़ लिया। अब तेरी शादी होने वाली है, ये बचपना छोड़। दादी हाँ? शादी क्यों करते हैं? ओहो शादी से घर बनता है, परिवार बनता है, बच्चे होते हैं। अच्छा तो आपका बच्चा कहाँ है? अरे है ना तेरा बाप, मेरा बच्चा ही तो है। हेलो वो तो इतने बड़े हैं, बच्चे थोड़ी ना है। माँ बाप के लिए बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, पर माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आता ये। अरे सब समझ में आ जाएगा जब तेरे बच्चे होंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ Oh, it's you. Not. Not. Hi, I'm happy. I'm not. Uh-huh. I'm sorry. Are you happy or are you sorry? No, my name is Happy. Not. And I'm sorry about... It's okay. I'm Sharon. Hey. Would you like to come in? Hannah! I'm not. L40. You know what? I have seen you somewhere. Kaha? In holding of bus in London. Oh, so you live in London? Yeah. Sit down. Thank you. Not. Would you like to have something? Yeah. I mean, no. Thank you. I'm not. What brings you to India? I love this country. Wow. And I'm here on a modeling assignment. Good, no? What about you? Huh? I've come here for marriage. Not love marriage. Arranged marriage? Yeah. What about love? यहाँ के बुजुर्ग सोचते हैं कि शादी हो जाएगी तो प्यार हो जाएगा. और नहीं हुआ तो? तो हैप्पी के लिए प्यार से ज्यादा जरूरी है सुहागरात, जिसकी वो बड़ी उत्सुकता से तैयारी कर रहा है. जी वो मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा. वो के लिए तो दुकान खुली है. आपको कौन सा वो चाहिए? वो जो काम आता है. हाँ जी, यहाँ पे जितने भी वो है सब काम के हैं. क्या नाम है आपके वो का? भाई साहब एक पैकेट कंडम चाहिए. अरे पप्पू इनको कंडम देना. हाँ जी हाँ जी, आइए इधर आइए. क्या नाम है आपके वो का? वो जो वो कह रहे हैं ना, मैं उसी वो के लिए वो कह रहा था. तो ऐसा बोलो ना कि कॉन्डोम चाहिए. कौन सा फ्लेवर दूं, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट या वनीला? नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए. मैं भी आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ. रिप चाहिए या लुब्रिकेटेड? भाई साहब क्यों डिस्टर्ब, कंफ्यूज कीजिए, लगभग सेफ चीज दीजिए. अरे पप्पू इनको एक गिफ्ट बॉक्स बना दे. 199. मम्मी तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो दर्द की दवा लेने आई हूँ. और तुम? मैं भी ना दर्द की दवाई लेने ही आया था. हाँ, तुम्हें क्या दर्द है? बहुत दर्द है, कोई समझ नहीं रहा. मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, ये ऐसा दर्द है जिसमें खुद की मदद खुद ही करनी पड़ती है. जिन और कोका कोला पीकर शराफत बोला, रोज रात को हमने एक नया ढक्कन खोला. कहते हैं कि अच्छी पियो खराब पियो जब भी पियो शराफत अली के साथ शराफत से शराब पियो. राइट. प्योर जियो मेरे लाल. एक बात बताओ भाई जिन, मतलब भाई जान, आज जिंदगी में पहली बार जिन पिला रहे हो, चक्कर क्या है? वो क्या है कि वो जो हमारा दोस्त है ना मिस्टर वर्जिन, वो शादी करके वर बन रहा है, इसलिए मैं सबको जिन पिला रहा हूँ. पॉइंट टू बी नोटेड. इसलिए पियो जिन एंड से चीयर्स टू मिस्टर वर्जिन. आय हाय हाय, मैं रात भर ना सोया, मैं पकड़ के दिल रोया, बेईमान बालमा बेईमान बालमा. शराफत भाई, लेकिन हैप्पी भैया बड़े भोले टाइप है, और ऊपर से हमारी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं हुई, तो सुहाग रात में क्या करेंगे? करेंगे क्या? खाएंगे, खो जाएंगे.
बत्ती बुझाएंगे और सो जाएंगे। अच्छा वैसे शराफत भाई, मैंने जिंदगी में शादियां बहुत देखी हैं, पर ना मतलब बाई चांस कभी कोई स्वागरात देखने का मौका ही नहीं मिला। वैसे ये स्वागरात में करते क्या हैं? करते क्या हैं? वही करते हैं जो हम हर रात यहाँ पर करते हैं। वैसे यार इंडिया जाने का मौका मिलता ना शादी में, भंगड़ा शंगड़ा डालते, खरमस्तियां करते। हाँ मजे करते। और काम यहाँ पर कौन करता? आपके अब्बा हजूर, हमा मियां। हजारों पाउंड का नुकसान हो जाता रात सवाल पार्टी का। अरे हम यहाँ पर पार्टी मना ही रहे हैं ना। यस हैप्पी भैया, हैप्पी हैप्पी से इंडिया में मना रहे और हम यहाँ मना रहे लंदन में। लेट्स चीयर्स वंस अगेन। चीयर्स। भाभी होगी कैसी? ओए होए पिंड दी कुड़ी खांट दी पुड़ी। होए 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 स्वागरात की सेज पर लेट कर शर्मा रही होगी, इठला रही होगी, इतरा रही होगी, बल खा रही होगी, बल खा रही होगी और हैप्पी हैप्पी बोल कर उसको बुला रही होगी। तेरे तो मजे, इतने सारे गिफ्ट। सारे मेरे हैं। खोलो खोलो खोलो। ये वाला तू दे, ये बहुत भारी है। ला मुझे दे दे। क्या होगा? दो दो, मैं खोल दो, मैं खोलती हूँ। दीदी देखो ना इसमें क्या है। हाँ हाँ खोलो खोलो खोलो। हाँ खोलो। अरे रुको ना, खोलो ना। अरे रुको, इसमें चॉकलेट है क्या? हाँ खोल के देखो ना। भाई डब्बा तो बड़ा है। गुब्बारे। अरे बाप रे, इतने सारे गुब्बारे किसके हैं? अरे तू तो बहुत लकी है। वो तो मैं हूँ। पता है क्या करना है? भैया शंकर जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए जी, जब तक गौरी का पासपोर्ट और वीजा तैयार नहीं हो जाता तब तक हैप्पी मामा जी के पास रहेगा। क्यों है ना? ये तो आपका बड़प्पन है लक्ष्मीनारायण जी। जाओ बेटा तुम अपनी जीवन की नई यात्रा शुरू करो। तुम्हारी माँ ने मन्नत मांगी है, अब मैं इनके साथ तीर्थ यात्रा शुरू करूंगा। राधे राधे। आप प्रार्थना करके आइए तो मेरा यहाँ कुछ भला होगा। अरे वाह। अरे तुम तो आओ जाने मन। कमाल है। आखिर हैप्पी के जीवन में सुहागरात की वो घड़ी आ ही गई जिसका हैप्पी को बरसों से इंतजार था। ये क्या? मेरा ये सपना था कि आज मैं रूम में आऊंगा, तुम्हारा घूंघट हटाऊंगा, तुम मुझे दूध पिलाओगी, लेकिन दूध का ग्लास तो दूर पड़ा हुआ है और तुम वहां पड़ी हुई हो। हे आज की रात सोने की नहीं, कुछ होने की रात है, बल्कि मैं कहूं बहुत कुछ हो जाए उसके बाद सोने की रात है। सुनिए सुनिए, क्या है? उनके कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे चिल्लाने दो ना, सुहाग रात है, तुम भी तो चिल्लाई थी मुस्कुरा के, सो जाओ चुपचाप। अरे ये चिल्ला नहीं रही, चिल्ला रहा है। मामा! अरे आप देखते हो या मैं जाऊं? अरे चुप चुप, तुम मत चिल्ला। रात में चिल्लाते हैं क्या हुआ भांजे? मामा जी क्या हुआ? गौरी कमरे में नहीं है। हाँ गौरी कमरे में नहीं है। गौरी कमरे में नहीं तो बाहर होगी। बाहर भी नहीं। बाहर नहीं है तो अंदर होगी। अंदर भी नहीं है। अंदर नहीं है तो ऊपर होगी। ऊपर भी नहीं है। ऊपर नहीं नीचे भी नहीं। आगे होगी। आगे भी नहीं है। आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर कहीं नहीं है। आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर नहीं है तो गई कहाँ मुस्कुरा के? अरे जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? अरे सुनती हो, गौरी गई कहाँ मुस्कुरा के? अरे भाई दुल्हन आ गए, चलो चलो डोली उठाओ, आ गए सब लोग।
आओ भाई आओ चलो। कोई दिखाई नहीं दे रहा, मैं बाथरूम क्या चली गई? अरे कहाँ चले गए सब लोग? अरे गौरी कोई कहीं नहीं गया बेटा, सब अपनी अपनी जगह पर सेट है मुस्कुरा के। चलो घर चलो, सब तुमको ढूंढ रहे हैं। आओ ना बेटा। गौरी तुम कहाँ चली गई थी? दूध। दूध है? फिर से कहो। दूध। दूध है? गौरी मुझे घूंघट उठाने की कोई जल्दी नहीं है, मगर तुम्हारी आवाज सुन के मुझे पता नहीं क्यों बहुत डर लग रहा है। लेट मी नो हु इज दिस। नहीं, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? सुनो, मैंने सुना है कि कोई बहुत खुश होता है तो उसकी शक्ल बदल जाती है। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारी असली शक्ल में आओ ना। यही मेरी सूरत है। यही तेरी सूरत है? तो फिर तुम मेरी नई औरत है। तो फिर ये शादी शादी नहीं है। तुम मेरी तू नहीं है, मैं तेरा तू नहीं हूँ। और ऐसे में सवाल उठता है कि वो कहाँ? शादी से पहले तो पतली थी, इतनी मोटी कैसे हो गई? सुहागरात हो ही नहीं, ये बच्चे कहाँ से आ गए? हम दहेज में आए, समझे? दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही पाप है। अच्छा पाप है तो तू हम सब बच्चों का बाप है, बेवड़े। मैं बेवड़ा नहीं। समझाइए अपनी लाडली को, रात भर खुद भी गायब रही और हमारे बच्चे भी, ये तो हद हो गई। मैं समझा दूंगा, समझा दूंगा। मेरा कब होगा? हो जाएगा। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते? इसे तो कुछ अक्कल ही नहीं है। चुप कर, सब मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हैं। दादी इन लोगों की वजह से गई थी मैं। हा? इन्होंने बोला चल चल हमारे साथ चल, शादी में बड़ा मजा आएगा किसी और की शादी में, इसलिए मैं अपनी शादी छोड़ के किसी और की शादी में चली गई। इसमें मेरा क्या कसूर दादी? चुप कर जा मेरी बच्ची, चुप हो जा, चुप चुप, चुप। आप लोग चलिए, मैं समझा दूंगा इसको। है चलो बच्चों, समझाना उसको तो कोई समझाता नहीं है। सॉरी हां सॉरी, चलिए आप। मेरा कब होगा? क्या कब होगा? वही जो शादी के बाद होना चाहिए। हनीमून? हनीमून को तो पता ही नहीं है, सुहागरात ही हो जाए तो बहुत है। मेरी सुहागरात कब कहाँ और कैसी होगी? बेटा कब और कहाँ तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन कैसे, मैं कैसे बता सकता हूँ? लड़की का बाप हूँ मैं आखिर। तो आपको नहीं पूछ सकता तो दादी से पूछूं? दादी को पूछने का फायदा नहीं, उनकी बहुत साल पहले हुई थी, उन्हें कुछ याद नहीं होगा। तो आपसे नहीं पूछ सकता, दादी से नहीं पूछ सकता, ये तो पूछने के लायक ही नहीं है, तो पूछूं तो किसे पूछूं? आप एक काम करो, आप आपके मामा से पूछो। मामा से पूछो। शांति 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 से काम लो, जल्दबाजी में काम बिगड़ सकता है मुस्कुरा के। गौरी अभी बच्ची है ना, समझ है उसको? क्या समझ कि शादी के बाद क्या होता है, शादी के पहले क्या होता है? अरे समझाना पड़ेगा ना बेटा। मामा पहले मैं ना समझता, अब ये ना समझ है। इस नासमझी में क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं ना, तो समझाना तो आपको ही पड़ेगा ना। गौरी को हम कैसे समझा सकते हैं, उसके घर वाले समझाएंगे ना बेटा। हम तो तुमको बोल सकते हैं, तुम अपने हो। देखो बेटा ये फॉरेन वॉरेन वाली जगह नहीं है, ये अपना गांव है, प्यारा सा गांव है, छोटा सा गांव है। यहाँ की औरतें लड़कियाँ पहले तो छूने से मना करती हैं, और जब छूने देती हैं तो पूरा ही दे देती हैं। व्हाट, अपनी मामी को देखो, एक महीने लगे थे टच करने में।
एक महीना? That's too much. तो वही तो कह रहे हैं, कोई मत 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 मत, कुछ नहीं, शांति, जज्बात में मत बहो, चुपचाप जाओ, शांत सी जगह, वहाँ थोड़ी देर बैठो, पानी को देखो, ठंडी हवा लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारे काम बनाने जा रहा हूँ। जिंदगी जो है वो अंग्रेजी वाली क्या बोलते हैं, एरोमा, हाँ समझ लो, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा वो एडजस्ट करेगी, फिर जिंदगी मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे ही मुस्कुराने लगेगी। पागल कहीं का उदास हो जाता है, जब बैठ वहाँ। उदास नहीं हूँ मैं, उदास नहीं हूँ मैं आ रहा हूँ थोड़ी, सोच रहा हूँ। अच्छा सुनो जी, कोई पूछे तो कहना चतुर मामा का भांजा हूँ मैं जी, ठीक है। आजकल के बच्चे एडजस्टमेंट की स्पीड ही नहीं जानते, हमारी तो जिंदगी एडजस्टमेंट में। मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो। ये लव का अकाउंट है, सोच समझ के इन्वेस्ट करो। थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो। कई साल से फिक्स डिपॉजिट में पड़े हैं, जहां से चले थे वहीं पे खड़े हैं। कई साल से फिक्स डिपॉजिट में पड़े हैं, जहां से चले थे वहीं पे खड़े हैं। ना इंटरेस्ट ना प्रीमियम ना पर क्या बेरा इनकम, ना इंटरेस्ट ना प्रीमियम ना पर क्या पेटा इनकम। कैसे पटाएं तुम्हें, तुम ही ना सजेस्ट करो। थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो। ये लव का अकाउंट है, सोच समझ के इन्वेस्ट करो। ज्यादा यहां भेजे, किनारे पे खड़े हैं हम, आया करें मौजे। कोई बाप से कहे माल ज्यादा यहां भेजे, किनारे पे खड़े हैं हम, आया करें मौजे। हाँ हम में है प्रोग्रेस, करे हम पे गॉड ग्रेस, हाँ हम में है प्रोग्रेस, करे हम पे गॉड ग्रेस। प्यार करते हैं हम, हमें तुम अरेस्ट नहीं करो। थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो। ये लव का अकाउंट है, सोच समझ के इन्वेस्ट करो। थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा तुम, थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट, थोड़ा मैं एडजस्ट एडजस्ट। Beautiful, isn't it? What? The wild river. Beautiful to look at, dangerous to get in. Right. Why didn't you invite me to your wedding? I couldn't even call my cousins from London. Instant kar raha tha. Okay. Come home. I've got a gift for you.
फूल। अरे रुक, मेरा तो फूल नहीं रुक ना। मैंने कहा किस्मत मेरी, उसने कहा चाहता है क्या है जी। इस पेड़ में सेब ही सेब, इसमें सिर्फ सेफ्टी। अरे पेड़ तो सेब के लगाए थे, लेकिन फसल सेफ्टी की कैसे हो गई। अरे संपा संपा, अरे सुनती हो मुस्कुरा के, गजब का तमाशा देखा मैंने। सुनी तो रही हूँ, कभी कुछ कहा भी है आपने। अरे कह तो रहा हूँ, अब समझ में आया इस साल अपने सेब की फसल में कमी क्यों हुई है। क्यों? अरे हम जो पहले इस्तेमाल करते थे ना उस समय, अब पेड़ इस्तेमाल करने लग गए हैं। क्या इस्तेमाल करने लगे हैं? सावधानी रहो। बेशरम कहीं के। Do I look sexy? Very sexy. Good. In this box, there's another one like this. Give it to your wife from me, and she'll also look sexy. Thank you very much. Thank you. Gauri, Gauri, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या? एक सेकंड इधर आओ। हाँ। थोड़ी घूम जाओ ना। घूमूँ? हाँ। क्यों? अरे घूमो ना। ठीक है, घूम गई। ये क्या कर रहे हो तुम? जब भी मेरे करीब आते हो ना मेरे कपड़े उतारने लगते हो, मैं दादी से शिकायत कर दूंगी। अरे लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ। ये तो मुझे भी पता है तुम मेरे पति हो। तो पता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तू लापता के पति पे क्यों खड़ी हुई हो? ये क्या पति 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 लगा रखा है? अरे मैं ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे करीब रहा करो। करीब आओ ना। लो आ गई, बोलो। और थोड़ा। अब बोलो। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। क्यों, तुम्हारी आंखों में कोई तकलीफ है? बहुत तकलीफ है। और तुम ये तकलीफ बगैर तकलीफ के दूर कर सकती हो, और थोड़ी तकलीफ हो भी जाए ना तो भी कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा प्यार से देखो ना। ये प्यार है? प्यार से देखो। थोड़ा और प्यार से देखो ना। देखती रहो, यूं ही देखती रहना। अरे फिर वो हरकत, काट लूंगी। अरे मैं तुम्हारे साथ जिंदगी काटने की सोच रहा हूँ, और तुम मुझे काटोगी तो जिंदगी काटने लगेगी। अरे क्या चक्कर काट रही हो? ये कैसे काटती है? क्या खेल रही हो? काम करते हैं, चलो खेलते हैं। जिंदगी कोई खेल नहीं है। मैं उस खेल का जिक्र कर रहा हूँ जिस खेल की वजह से तुम दुनिया में आई, जिस खेल की वजह से मैं दुनिया में आया, जिस खेल की वजह से ये दुनिया चल रही है, जिस खेल की वजह से बड़े बड़े लोग दुनिया में आते हैं, आके खेलते हैं और खेल खेल के आते हैं। ये प्यार का खेल है, सब खेल रहे हैं। मेरे को भी खेलना है। तो फिर खेले। हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सही चल रहा है। सिट। वेरी गुड। मैं इसी खेल का तो जिक्र कर रहा था। तुम्हें मेरे साथ करीब से खेलने में प्रॉब्लम क्या है? जब भी तुम मेरे करीब आते हो मेरे कपड़े क्यों उतारते हो? अरे कपड़े तो मैं तुम्हारे इसलिए उतारता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाया हूँ। पहन के देखो ना, बिल्कुल नॉर्मल लड़की लगोगी। और ओके, ये तो बहुत सुंदर है। तुम पहनो ना। मैं कैसे पहनूंगा बे? पहनो ना मेरे लिए प्लीज। अच्छा वेरी गुड। तो मैं पहनूंगा तो मुझे देखकर वैसे तुम पहनोगी? हाँ पहनूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वेरी गुड। मेरे सामने कपड़े क्यों निकाल? इसमें हो क्या है? तुम्हारे कपड़े नहीं उतार सकता तो क्या खुद का कपड़े भी नहीं उतार सकता क्या? ठीक है निकालो, जब पहन लो तो मुझे बताना। हाँ उतार रहा हूँ। पहना। आंखें खोलो। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। एक काम करते हैं, आप खेलते हैं। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। भांजी, तू भांजी ऐसे कैसे बन गए मुस्कुरा के? हैं मुस्कुराने का मौका ही कहाँ मिला। जैसे ही मुस्कुरा के मुस्कुराने के लिए कहता हूँ, मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुस्कुराने का नया बहाना कर देती है। कैसी लड़की ले आए? अरे लड़की जैसी लड़की लाए, लेकिन तुम ये बताओ लड़के जैसे लड़के क्यों नहीं लग रहे हैं? लड़के जैसे लड़के क्यों नहीं लग रहे?
जैसे ही लड़के की तरह लड़की को लड़की की तरह रहने के लिए कहता हूँ, लड़की लड़की की तरह तमीज से नहीं रहती, लड़ लड़कर लड़के को लड़की की तरह सामने कर देती है। ये कोई तरीका है? नो एक्सपेरिमेंट। माफ कर दे गुरु। माइंड ब्लोइंग। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा मुस्कुरा के। तुम्हें कुछ चाहिए? You can't do this to me. You can't do this to me. No. Hey. लगता है इसको कुछ नहीं चाहिए, और जिसे कुछ नहीं चाहिए उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो वासना के लिए फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और कुछ लोगों को वासना में इंटरेस्ट ही नहीं होता। शी इज सो डिफरेंट, शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट सेक्स। देन यू मस्ट टीच हर। आई कैन टीच हर, बट समबडी शुड टीच मी। नो, ही इज द बेस्ट टीचिंग्स इन द वर्ल्ड। हियर इज अ बुक ऑफ कामा सूत्र, स्टडी इट टुगेदर। सूत्र तो मिला, देखें काम होता भी है या नहीं। चतुर, ये क्या कर रहे हो? ये लाइट के नीचे मुंह खोल के क्यों बैठे हो? सब ठीक तो है? अरे दया भाई, पिछले 2.5 साल से ना हैवी फील कर रहा हूँ मुस्कुरा के। अच्छा? हाँ, अपने डॉक्टर नहीं है शंभु शरण, हाँ? मरने के पहले कहा था दिल के मरीज को लाइट खाना चाहिए। तब से मैं बल्ब बदल बदल के लाइट खा रहा हूँ, कभी 100 वाट, कभी 40 वाट, कभी 0 वाट। चतुर मामा, अरे हैवी मिठाई खाओ, ये खाने से लाइट फील करोगे। अच्छा? हाँ, ये खाओ अंगूर। स्वादिष्ट है, आप भी डॉक्टर लगते हो, एकदम लाइट फील कर रहा हूँ। ये अपनी गौरी बिटिया खाए, दिखाई नहीं दे रही। अरे देखोगे तब तो दिखाई देगी, बागीचे में खेल रही है। आप जाके उसका दिमाग खाओ, मैं हैवी मिठाई खा के लाइट फील कर रहा हूँ। लाइट फील करो, लाइट फील करो। लेकिन इतने लाइट मत हो जाना कि उड़ ही जाओ शंभु शरण के पास। गौरी, गौरी बेटा, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। कैसी है तू? कैसी क्या, कैसी थी वैसी हूँ। पता है, मैं तुझे ही देखने आया था। क्यों, आपने मुझे देखा नहीं क्या? बरसों से तुम मुझे देखते आ रहे हो। तू कभी नहीं सुधरेगी। खैर बेटा, तुझे खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ, और तू हमेशा खुश रहे। और सुन, साथ में उसको भी खुश रखे। उसको? उसको किसको? आ गए? जी। ये क्या छुपा रहे हो तुम? वही जो मैं दिखा नहीं सकता। क्या नहीं दिखा सकते? वही जो मैं छुपा रहा हूँ। मामी से क्या छुपा रहे हो भांजे? हैं? वही जो मैं मामी जी को दिखा नहीं सकता, आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं दिखा सकता। यहाँ देख लेंगे आप तो आप देख कर काबू में नहीं रहेंगे। क्यों, क्यों काबू में क्यों नहीं रहेंगे? आप यही मुस्कुराना शुरू कर देंगे। जा आराम से मुस्कुरा। अरे ऐसी क्या बात है जो आप समझ गए और मैं नहीं समझी? अरे नॉर्मल सी बात है, तुम नहीं समझोगी। तुम ऐसा करो, घर का सब काम कर दो, किसी भी चीज की जरूरत हो, एक्स वाई जेड किसी भी चीज की जरूरत हो, मुझे मत बुलाना, ठीक है? जाओ। आज तुम खबर टॉर्चर ना कर कुड़िये। हटो, मुझे कार्टून देखने दो। ये क्या कार्टून देखती रहती हो? देखना है तो मुझे देखो। क्यों, तुम क्या कार्टून हो? बकवास ना करो, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, कार्टून देखना, बच्चों के साथ खेलना, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। देखना है तो ये देखो। ये देखोगी
तो तुम्हें दिखेगा कि ये तुम्हें क्यों देखना चाहिए। वैसे तो तुम देख सकती हो, लेकिन तुम देखकर भी नहीं देख रही। मैं ये देख रहा हूँ क्योंकि तुम्हें जो देखना चाहिए वो तुम नहीं देख रही हो, और तुम्हें जो नहीं देखना चाहिए वो तुम देख रही हो। देख देख कर, देख देख कर क्या देखा तुम्हें मामा जी ने? कम से कम ये तो देखते कि तुम में देखने की समझ है या नहीं। देखो चल 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 नहीं दिखाओ। गुड Not. Yeah. Not. Not. Huh? Not. I'm not. Not. I'm not. Scott. I want you. I love you. Mm, I love you. कहाँ गए? ये कहाँ गए? आओ हो रहा है। आइए पधारिए। देखो मैंने कितना अच्छा सजाया। देखो I don't want to be mathoon singer. Kaun sanaya raag mein gaun? Kaun sanaya geet rachaun? Kya karun ke thar jaun? क्या करूं के थक जाऊं कि थक जाऊं क्या बजाऊं क्या गाऊं कि थक जाऊं नहीं। You never drink. आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं हुआ, यानी कि आज भी कुछ नहीं हुआ। मतलब कि गौर से समझो तो आज तक कुछ हुआ ही नहीं। योर हार्ड वर्क माय हार्ड वर्क एंड टच कुछ नहीं हुआ। अरे मुझसे तो अच्छा वो है ऊट, धूप में चलता है, दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है, लेकिन वो तो होता है ऊंट और ऊंटनी ऐसे ऐसे इतनी दूर दूर तक साथ निभाते। अरे इतना बड़ा जिस्म लेके हाथी, हाथी नदी में हथनी के साथ प्रोग्राम करता है। अच्छा हाथी छोड़ो, हाथी छोड़ो, मच्छर है? मतलब कि मच्छर तक मच्छरनी के साथ प्रोग्राम करता। इसलिए तो दुनिया में किधर किधर कहा कितने मच्छर पैदा हो गए। आई डोंट वॉन्ट टू डिस्कस डॉग्स, क्योंकि डॉग्स को तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारे कहीं
कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरी दुनिया में, आदमी को बहुत सोच समझ के चलने का है, यानी के पति पति ही उत्पत्ति है, लेकिन मैं पति हो गया हूं फिर उसको क्यों आपत्ति है, यानी कि मैं वर हूं लेकिन फिर वर्जिन हूं। पूर बेबी, डोंट बी सो सैड, आई विल मेक यू हैप्पी। Going? Come back. Just a second. I mean, this is not right. I mean, this is not done. I mean, this is. अच्छा तो फाइनली तुमने उसकी इज्जत ले ली। नो, उसने मेरी इज्जत करते हुए बड़ी इज्जत से उसकी इज्जत मुझे दे दी और तुमने ले ली। लेकिन इसे मिस्टेक से हुआ। लेकिन टेक तो हुआ ना। हाँ, लेकिन मैं होश में नहीं था, नशे में थे। तो फिर क्यों रिपोर्ट लिखाने आओ यार, कमाल हो तुम। देखो, नशे में आदमी इनोसेंट होता है, उसके बाद जो कुछ होता है अच्छा ही होता है। लेकिन मैं मेरी वाइफ को मुंह नहीं दिखा सकता। तो मुंह धो के घर चले जाओ, नहा के चले जाओ। देखो, मैं जब ड्यूटी पे आता हूँ ना तो नहा के थोड़ी आता हूँ, यहाँ से नहा के घर पे जाता हूँ। तो मतलब इज्जत नहीं लूटी? ओ यार, मर्दों की कोई इज्जत नहीं होती। क्या मतलब है? नहीं, इज्जत होती है लेकिन लूटने वाली नहीं ना होती। अच्छा ये बताओ, ये सब हुआ कैसे? क्या है, मुझे ये सब आता नहीं था ना। क्या? नहीं, मुझे ये सब पता नहीं था ना। अच्छा वो, हाँ, तो मैं वहाँ पढ़ने के लिए गया था और वहीं पढ़ गए। नहीं नहीं, मैं वहाँ पढ़ने के लिए गया था। पढ़ने के लिए गए थे और लिख के आ गए? नहीं नहीं, उसने लिखवाया। अरे वो कौन होती है लिखवाने वाली? अरे लिखने वाला तो वो है, उसने सब कुछ लिख दिया है कि कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या लिखेगा। अब मेरी तरफ देखो, मुझे कुछ लिखना नहीं आता, मैंने आज तक कुछ नहीं लिखा, उसके बावजूद भी मेरे चार बच्चे। अच्छा जी। अच्छा क्या, ये तो कैसी अच्छाई का है। देखो, सबसे अच्छाई है उस लड़की में जो उसने तुम्हारे साथ की बिना पेमेंट के, और उससे अच्छे तुम हो जो उस अच्छाई में तुमने उसका साथ दिया, और तुम दोनों से अच्छा मैं हूँ जो ये केस ही नहीं ले रहा, क्योंकि केस तो उसका बनता है जो किसी को दुख दे। अब मैं उस लड़की के पास जाता हूँ, इस लड़के ने तुम्हें कोई दुख दिया? वो कहती दुख नहीं, मेरे को तो मजा आया। अब मजे का थोड़ी केस बनता है ना, मजे की बात। इसलिए तुम भी उठो, मजे करो, नाचो गाओ, हंसो खेलो, पंगड़े पाओ। अरे रेलगाड़ी हुआ क्या भांजी? हो गया मामा जी। मगर हुआ क्या भांजी? वही जो मैं करना चाह रहा था, जो नहीं हो रहा था, जो नहीं हो रहा था वो हो गया मामा जी। वो हो गया? हाँ हो गया। मतलब वो हो गया ना मुश्किल आके? हाँ, मिल मिला के। मिल मिला के? अरे अरे सुनती हो? अरे सुनती हो क्या हुआ? अरे जो हमें उस समय हुआ था अब जाके इसको हुआ है।
हुआ क्या? कुछ अच्छा ही हुआ होगा मुस्कुरा के। मुस्कुरा के चलो ना, हम भी मुस्कुराते हैं। अरे सुबह ही तो मुस्कुराया था मुस्कुरा के। थोड़ा और मुस्कुरा लोगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? अरे मुस्कुरा मुस्कुरा के यहाँ मैं मुरझा गया हूँ, अखबार तक नहीं पढ़ पाता हूँ। चलो ना। मुझे नहीं, मुझे इधर इधर मुझे मुझे इधर मुझे हाँ जल्दी में जल्दी जल्दी में जल्दी करना जल्दी जल्दी मुझे नहीं मुझे नहीं बड़ा फर्ज़ ये मुझे नहीं मुझे 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 तो अरे ये कहाँ से बोल दिया अरे ये साथ देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मन कर रहा था इसका गला दबा दूं। सच में? हाँ, पर पता नहीं क्यों मुझे क्यों अजीब लग रहा था। मुझे पता है वो तुम्हारा खिलौना है, तुम उसके साथ खेलो या ना खेलो ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कोई और उसके साथ खेले तुम ये बर्दाश्त थोड़ी ना कर सकती हो। Touch me, baby. I wanna lose control. मचा रखी है गौरी, तुझे क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ दादी, लेकिन उसका दिमाग खराब हो गया है। वो है ना पति, वो मेरे सामने उस लड़की को गले लगा रहा था। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। इसमें गलती तेरी है, दूसरों को दोष क्यों देती है? दादी आप भी मुझे सुना रही हो। नहीं नहीं सुना नहीं रही, समझा रही हूँ। इसीलिए तो कहती थी कि बचपना छोड़ दे। तेरे दादू को मैंने 40 साल अपने पल्लू से ऐसे ही नहीं बांध रखा था। मैं उनके कार आने से पहले ही सांस सवर के बैठ जाती थी। वो आते ही मेरे आगे पीछे घूमने लग जाते थे, लाडो लाडो करते थे। अब तू भी कार जा और सांस सवर ले। देख आंखों में काजल, माथे पे बिंदिया, बालों में गजरा, हाथों में चूड़ियां पहनकर सजा ले अपने आप को। और जैसे ही वो आए शर्मा कर उनके पैर छू लेना, फिर देखना कैसे तेरे पीछे दीवाने होते हैं, किसी और की तरफ देखेंगे भी नहीं। हाँ सच्ची? हाँ मुच्ची दादी। हाँ गए
गए आप। गौरी प्लीज डोंट डू दिस प्लीज। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, लेकिन पहले तुम कहो। गौरी जो यहां होना चाहिए था वो कहीं और हो गया, और जो कहीं और हो गया वो यहां नहीं हो सकता। मुझे कहीं और प्यार हो गया और मैं यहां रहूं, मेरा मन कहीं और रहे, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी होगी। और ये नाइंसाफी ना मैं खुद के साथ कर सकता हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन सुनो, तुमने जो कहना था मुझे कह दिया। जब मेरे कहने की समझ आई तो बिना सुने ही चले गए। शैरन, ये कहाँ गई? Hey, are you leaving somewhere? My assignment is over. It's time to move on. And what about me? Happy. I wish you all the happiness. No, I cannot be happy without you.
Don't you love me? Of course I do. You're my very special friend. But I'm a wanderer. A free spirit. Can you capture the wind in your hands, Nehina? और हमारे बीच जो हुआ वो? That was fun. What? Why? Didn't you enjoy it? Dekho, happy. Whatever lessons of love you learnt from me, take it to your wife and make her happy. Time to go. Bye. Bye. यहाँ के गुरु कहते हैं कि अमुक साल में अमुक महीने में अमुक दिन में अमुक तरीके से अमुक लड़की के मुख में मुख डालकर प्यार करो तो सुख मिलेगा बट इन लंडन इन अमेरिका एवरीबडी इज डूइंग एंड दे आर डूइंग वेरी वेल तो फिर यहाँ पे ये चक्कर क्या है वहाँ लोग अफेयर्स करते हैं शादियाँ करते हैं डिवोर्स करते हैं तलाक करते हैं नहीं करते हैं लेकिन वो सब तो करते हैं जो करने के लिए ये सब करते हैं तो फिर मैं कुछ करता हूँ तो ऐसा क्यों होता है उसको मैं छोड़कर चला आया मुझे ये छोड़कर चली गई तो फिर मैं जाऊं तो कहां जाऊं अरे रुक जा अरे रुका ही तो आऊं गौरी रुक जा बच्चा मैं गौरी नजर आ रही हूं और मैं कहां भाग रही हूं पगली तू जान देने चली थी अब तेरी जान मेरी जान हो चुकी है और जो जान मेरी जान हो चुकी है उस जान को इस तरह जान देने का कोई हक नहीं है क्या जान जान लगा रखा है तुम तो मुझे छोड़ के चले गए थे ना छोड़कर चला गया था तब कहीं प्यार और वासना के बीच का फर्क समझ में आया बहुत समझ समझ के समझ में आया कि प्यार को सिर्फ प्यार ही समझ सकता है क्या हुआ आपको मामा जी कुछ नहीं पहली दफा रोना आ गया मुस्कुरा के जाओ तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते अरे प्यार करता हूँ इसलिए तो इतना प्यार करने की कोशिश की मैं तड़पता रहा और तुम मुझे तड़पाती रही तड़पाती रही तो क्या हुआ तड़पाती रही तो क्या हुआ तुम नहीं सुधरोगी क्यों ना मैं ही जंप लगाऊं नहीं आप नहीं तड़ पाऊंगी प्लीज खेलें फिर खेलें खेल का भूत तुम्हारा अभी तक नहीं उतरा अरे वो खेले मैं उस खेल की बात कर रही हूँ जिस खेल को खेलने से लोग दुनिया में आए आ आकर खेले खेल खेल के आए हैं वो खेल हो रहा है आज से अच्छा समय शुरू हो रहा है अच्छे 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 क्यों रो रहा है यार तू और दूध नहीं पीऊंगा मैं दूध पीकर तो इतने पैदा हुए तुम्हारे लिए नहीं बच्चों के लिए पकड़ो और तुम किसके लिए हो तुम्हारे लिए क्या नाम सोचा है तुम सोचो ना हैप्पी नहीं रखना बहुत वेट होता है तो ऐसा पेट होता है यू सो नॉटी खुशहाल है मेरी जिंदगी अब साथ यार संसार है yeah.
on your speaker. Now bring it down. थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो. ये लव का अकाउंट है, सोच समझ के इन्वेस्ट करो. थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो, थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो. Hit me with it one time, come on, and to the left, that's right, and to the right, yeah. Throw your hands up, up, up. Let me see y'all, and to the left side, and to the right side. Everybody in the club, get down, come on, and to the left side, and to the right side. Everybody in the club, come on. कई साल से fixed deposit में पड़े हैं. Yeah. जहाँ से चले थे वहीं पे खड़े हैं. Sing it. कई साल से फिक्स डिपॉजिट में पड़े हैं, जहाँ से चले थे वहीं पे खड़े हैं. ना इंटरेस्ट ना प्रीमियम ना पर कैपिटा इनकम, ना इंटरेस्ट ना प्रीमियम ना पर कैपिटा इनकम. कैसे पटाएं तुम्हें, तुम ही ना सजेस्ट करो. Come on, come on. थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो. थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो. Throw your hands in the air, now throw your hands up. Throw your hands in the air, that's right. Throw your hands in the air, now throw your hands up. Throw your hands in the air, something like this. Come on, come on. Come on, come on. That's right, come on. Yeah. कोई बाप से कहे माल ज्यादा यहाँ भेजे. That's right. किनारे पे खड़े हैं हम, आया करे मौजे. Get in the groove now. थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो. थोड़ा मैं एडजस्ट करूं, थोड़ा तुम एडजस्ट करो. Adjust, 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 adjust.